सो ये गाइस की हाल चाल है। सब सारे बताऊँ कि बादशाह डस कमिंग फॉर योयो सिंह। ओके, योयो हनी सिंह, हनी सिंह इंटरव्यू रिप्लाई ऑन SRK। आई डोंट लेट्स सी। यो हनी सिंह, मैं आज आया हूँ आपके सारे सवालों के जवाब देने। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी अभी हनी पाजी के बोनीता सॉन्ग ने पूरे 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो नंबर वन के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं उसको लेके तलविंदर, ग्रीक अमन और बॉलीवुड हंगामा ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो MC इनसेन नाम से एक रैपर है जिन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं। उन्होंने बोला है कि मैं कभी भी हनी सिंह, एमिवे, गिरफ्तार, नेजी, डिवाइन इन सबको गलत नहीं बोलूंगा। ये पांचों मेरी इंस्पिरेशन। खैर अभी हम लोग बात करें इशो बॉय जियान की, तो क्या इसने फिर से हनी पाजी को पोक कर दिया है? क्या इसका हनी पाजी को लेकर डिस आने वाला है? वेल, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि जमीन आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन जियान कभी भी नहीं सुधरेगा। पहले तो इसने लाइव शो में माफी मांगी थी, लेकिन रिसेंट इंटरव्यू में इसने फिर से हनी पाजी को पोक कर दिया। इसने अभी इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसा पोस्ट किया है जिसके कैप्शन में ये हनी पाजी की तकदीर लिखने की बात कर रहा है। मतलब खुद का करियर है नहीं, खुद हनी सिंह का नाम लेके फेमस हुआ है और उसी की तकदीर लिखने की बात कर रहा है। वाह क्या गांडू है। अगर गलती से पूरे तत्ते चल रहे हैं यार। अभी इसका कोई हनी पाजी को लेकर डिस आ गया तो सारी की सारी पब्लिक इस बार इसका क्या हाल करेगी वो इसे पता भी नहीं। एक बारी आप लोग इसका कमेंट सेक्शन देखो, सब लोग बस क्लाइंट। भाई सही गल है वैसे ना, बहुत ज्यादा खतरनाक कमेंट सेक्शन इस टाइम बादशाह। क्लाइंट क्लाइंट कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसको फिर भी बिल्कुल शर्म नहीं आती। खैर इसे मारो गोली। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अभी अभी हनी पाजी का एक छोटा सा इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने काफी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। शाहरुख खान और ग्लोरी एल्बम के ऊपर भी रिप्लाई किया है, आप लोग पूरी वीडियो देख लो। यो यो शुभो, यो हनी सिंह, मैं आज आया हूँ आपके सारे सवालों के जवाब देने सिर्फ 91 सेकंड्स में। चलो शुरू करते हैं। सिंह, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी बिकॉज़ आई हैव बीन ड्रॉपिंग लॉट्स ऑफ R&B म्यूजिक फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स। नाउ इन आर रैप 91 जेड़ा हैगा Spotify प्लेलिस्ट मेरे ख्याल में ओदे विच ऐड होया ना इस टाइम हनी सिंह एल्बम ग्लोरी। इट्स लॉट्स ऑफ रैप इन इट, उर्दू रैप, पंजाबी रैप, हिंदी रैप इज देयर। आई प्रेफर स्टूडियो एज वेल। इन स्टूडियो आई एम वेरी काम, इन स्टेज आई एम वेरी वाइल्ड। ग्लोरी एल्बम इज टोटली इंस्पायर्ड by all the ethnic artists worldwide and the modern artists worldwide. New lads coming up in the scene. Dead would be Chamkila and living is one and only Aram Ansar. My favorite track in Glory is Rap God and Bonita. The best era of hip hop was actually 2000, because when I started making music, it was 2000. It was the time of Swiss Beats, time. Okay. Yes, Dr. Dre, Scott. Of Timberland, Dr. Dre, Scott Storch. So that was the biggest time. My rap is Rahe Aap Pareshan. It's crazy. It's just from the streets. It's, I'm not a trained artist. I'm not well experienced. मैं तो कहता भी नहीं। मैंने rap god गाने में एक line भी मैंने लिखी है उसमें। बाकी सारा लियो ने लिखा है कि मैं तो कभी आखिया नहीं मैंने rap आंदा। तो हमें सारी कहती है आप rap god। Yeah, that's amazing. मुझको ना पहचाने क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता। Best advice I received from Shahrukh bhai. Actually, he noticed that thing in me and he explained me that ki tu sare gaane dil se banata hai, dimag se nahi banata, to usko dil se banata rahi ho. Thanks for all your questions. Bahut vaddi gal hundi hai ke kam dil to hi karo, naale oh vi us legendary bande da yaar, oh badshah bhai, oh king of Bollywood, Shahrukh. Theek hai. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਬਾਈ ਹਨੀ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਫ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੀਟ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਜ਼ ਪੈਸ਼ਨ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।